Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying analysis of financial statements and the chapter is on comparative statements and compar common size statements. Here, the question is from the following balance sheet prepare comparative balance sheet of Sun Limited. So, please write down in the books of Sun Limited the headlines. देन कंपेटिव बैलेंस शीट आज एड थर्टी फर्स्ट मार्च यू कैन से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर करेंट इयर देन द फॉर मार्क पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर सेकेंड इयर या लास्ट ईयर ये हि देकेंड ईयर एबसेल चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज ये अमाउंट का इंक्रीज डिक्रीज एंड परसेंटेज चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ परसेंटेज देन स्टार्ट फ्रॉम द लाइवलिटी साइड आपको ये फर्स्ट तीनों कॉलम में रुपीज लिखना है और लास्ट कॉलम में परसेंटेज चेंज स्टार्ट फ्रॉम दे लाइबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन विल बी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड अमाउंट बुक में क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है तो आपके फर्स्ट ईयर बाद में दे रखा है सेकेंड ईयर पहले दे रखा है तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिख के यहाँ ईयर लिख देना अगर दो हजार अठारह यहाँ पे और दो हजार उन्नीस लिखना है दो हजार छब्बीस लाइबिलिटी में आप लिखो शेयर होल्डर्स फंड इसके नीचे जैसे बुक में फॉर्मेट दे रखा है कॉपी करो गिवन इन प्रॉपर ऑर्डर

Second year's value minus first year's value, it will be 50,000. 3 lakh 50,000 minus 3 lakh. This is in positive plus 50,000 divided by 3 lakh into 100. It will be 16.67%. This is your share capital. Second is non current liabilities. Yes, shareholders' funds, then non current liabilities. नॉन करेंट लाइबिलिटी का अंदर आता है लॉन्ग टर्म बरोइंग्स लॉन्ग लोन्स या लॉन्ग टर्म बरोइंग्स लॉन्ग टर्म उधारी लॉन्ग टर्म उधारी होता है फर्स्ट ईयर का जो वैल्यू है वो दे रखा है क्वेश्चन में टू लाख सेकंड ईयर में वन लाख यहीं पे हो गया डिक्रीज दिस इज सेकंड ईयर का वैल्यू वन लाख माइनस फर्स्ट ईयर का वैल्यू टू लाख माइनस वन लाख इज इक्वल टू माइनस वन लाख एंड एगेन माइनस वन लाख डिवाइडेड बाई फर्स्ट ईयर का वैल्यू इज रुपीज टू लाख वन लाख बाई टू लाख इन टू हंड्रेड इट इज माइनस वन लाख बाई टू लाख देन इट इज माइनस फिफ्टी परसेंट अगर अमाउंट में डिक्रीज है एब्सोल्यूट चेंज में तो परसेंटेज चेंज में भी माइनस होगा यानी डिक्रीज में लिखा जाएगा माइनस में ये दोनों माइनस में आएगा ये दोनों माइनस देन कम्स यर करेंट लाइबीज करेंट लाइबिलिटीज का जो वैल्यू ट्रेड पेबल यून सी फ्राम फर्स्ट इन लाख है सेकेंड इन लाख फिफ्टी थाउजेंड है तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस वन लाख इज इक्वल टू फिफ्टी थाउजेंड एंड परसेंटेज आएगा फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई रुपीज वन लाख दिस इज फिफ्टी परसेंट परसेंटेज चेंज पचास परसेंट देन इसको टोटल करो टोटल विल बी फर्स्ट ईयर का लाख, सेकेंड ईयर का छ लाख और एब्सोल्यूट चेंज हैज नथिंग टू डू विथ परसेंटेज चेंज इन जीरो तो दिस इज जीरो नील नील तो इसका कोई एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट भी नहीं आएगा एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज भी नहीं आएगा कंप्लीशन ऑफ लाइबिलिटी साइड वी कैन गो टू एसेट साइड

इसको आपके टेंजिबल एसेट्स कहते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और इकोनॉमिक वैल्यू है फर्स्ट ईयर का थ्री लाख सेकंड ईयर का फोर लाख तो फोर लाख माइनस थ्री लाख इज इक्वल टू वन लाख और वन लाख डिवाइडेड बाय यानी एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर से वैल्यू वन लाख बाय थ्री लाख इनटू हंड्रेड देन सेकेंड सेकेंड इज योअर करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स के नीचे आपके आएगा इट विल बी लाइक ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पे रिसीवे ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके फर्स्ट ईयर के वैल्यू है थ्री लाख इट इज गिवन इन द बुक यू सी थ्री लाख सेकेंड ईयर में हो गया दो लाख तो सेकेंड ईयर का वैल्यू माइनस फर्स्ट ईयर का वैल्यू इज़ इक्वल टू माइनस वन लाख तो माइनस वन लाख आएगा तो माइनस वन लाख डिवाइडेड थ्री लाख हंड्रेड माइनस थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये दोनों माइनस में आ गया वंस द डिफरेंस इज इन माइनस इन अमाउंट द परसेंटेज चेंज बी इन माइनस लाइक लॉन्ग टर्म बरोइंग टोटल करना पड़ेगा करना नहीं आपके क्वेश्चन में दे रखा है टोटल दिस एंड दिस शुड ऑलवेज टाली ये वाला टोटल ये वाला टोटल दिस इज लाइक दिस सिक्स लाख माइनस सिक्स लाख इज इक्वल टू जीरो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर